रोटिकल बेस भी पूछा जा सकता है तो अगर आप एम सी क्यूज बेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एम सी क्यूज के भी काफी सारे पॉइंट मैंने उसमें कवर अप करवा दिए है ऑपरेटिंग तो कॉस्टिंग uh, जो है बेसिकली एक मेथड है जो यूज किया जाता है सर्विस सेक्टर में सर्विस इंडस्ट्रीज जो होती है इंडस्ट्रीज हु प्रोवाइडिंग सर्विसेस सच एज ट्रांसपोर्ट सच एज दॉटल इंडस्ट्री हॉस्पिटल्स

का जो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड पॉइंट्स पे बहुत सारे बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक है ऑपरेटिंग तो वो, वो तो पूरा कॉस्टिंग तो अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है इट इज एन एक्सटेंशन एंड रिफाइंड फॉर्म ऑफ द प्रोसेस कॉस्टिंग आपने प्रीवियस आपके प्रोसेस कॉस्टिंग को पढ़ा था सिमिलरली प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा ही ये टॉपिक है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बेसिकली सर्विसेज रिलेटेड पार्ट्स में डील करता है सो so, जहाँ पे सर्विस दिया जाता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री है हॉस्पिटल इंडस्ट्री है और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या डिनोट करता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिनोट करता है जो ज, जो वो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में जितने टाइप के कॉस्ट है वो हमें इस पूरे बेसिस पे कैलकुलेट करने पड़ते हैं जैसे कि अगर हम होटल की बात करें तो होटल में आ, कितने रूम है कितना सैलरी स्टाफ को दिया जाता है कितने रूम डेस्क के बेसिस पे रूम अवेलेबल होते हैं वो तो सारी चीजों के ऊपर ऑपरेटिंग उपर कॉस्टिंग डील करता है तो बेसिकली वो आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू द पॉइंट्स तो ये है हमारा सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज पॉइंट रिलेटेड विद दी वेरियस टेप्स ऑफ सर्विसेस एंड यूजली वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ सर्विसेस बेट बेसिकली वी आर मोर फोकसिंग ऑन द एग्जाम फैक्टर की एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अगर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करें तो देखो आपको इसमें तीन कॉलम्स दिख रहे हैं वी हैव पर्टिकुलर वी हैव टोटल कॉस्ट एंड वी हैव कॉस्ट पर यूनिट तो हाउ टू प्रीपेर दिस हाउ टू कैल्कुलेट दी अमाउंट दैट इज द सेकेंडरी पॉइंट वो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको पता चलेगा बेसिकली अगर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो ट्रक होता है बस होता है इसमें कैसा है कि एक ट्रक रहेगा एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है जाते वक्त कितना लोडेड था आते वक्त एम्प्टी गया एम्प्टी आया तो बेसिकली इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिर एक बस होती है बस एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है फिर वो जाते वक्त उसमें फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी से फुल होता है आते वक्त वो बस एम होती है उस केस में जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं उनका फेयर कितना होगा वो कैलकुलेट करो इस तरीके से क्वेश्चन हमको इस चैप्टर में पूछे जाते हैं सो इफ यू सी अबाउट द ट्रांसपोर्ट कंपनी यहाँ पे दो टाइप के कॉस्ट है एक है हमारा स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा है हमारा रनिंग चार्जेस देखो अगर हम स्टैंडिंग चार्जेस की बात करें तो स्टैंडिंग चार्जेस एकदम सिंपल तरीका है समझने के लिए स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है आपका फिक्स कॉस्ट इसमें हम सारे के सारे फिक्स कॉस्ट को कवर अप करेंगे जैसे कि लाइसेंस फीस है इंश्योरेंस प्रीमियम है रोड टैक्स है गराज रेंट है ड्राइवर्स वेजेस है अटेंडेंट कम क्लीनर्स वेजेस है सैलरीज एंड वेजेस एंड अदर टू दी अदर स्टाफ है तो इफ यू सी कहीं ना कहीं ये सारे एक्सपेंसेस क्या रिलेट करते हैं ये सारे एक्सपेंसेस जो है हमारे दैट इज रिलेटेड विद फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट को हम इस पार्ट में क्या नाम देने वाले हैं स्टैंडिंग चार्जेस तो स्टैंडिंग चार्जेस भी इसको कहा जाएगा या फिक्स कॉस्ट जो आप सिंपल तरीके से पहले पहले से पढ़ते आ रहे थे तो फिक्स कॉस्ट बोल सकते हैं या फिर स्टैंडिंग चार्जेस भी इसे हम बोल सकते हैं फिर हमें क्या करना है जितने भी हमारी फिक्स कॉस्ट थी उन सभी फिक्स कॉस्ट को लिखना है उस फिक्स कॉस्ट को लिखने के बाद वी हैव टू दैट दैट एंड विल बी द टोटल नेक्स्ट विल बी द रनिंग रनिंग चार्जेस चार्जेस देखो का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं रनिंग चार्जेस मतलब जितना हमारा जो व्हीकल है वो जितना चला है जितनी हमारी बस एक जगह से दूसरे जगह पे चली है उस बेसिस पे उस बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल कॉस्ट जो है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विद योर रनिंग कॉस्ट तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जितना बस चलेगा जितना ट्रांसपोर्ट का वेहीकल चलेगा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा उतना ही उसका रिपेयर होगा उतना ही मेंटेनेंस होगा अगर हम फ्यूएल की बात करें डीजल की बात करें ग्रीस की बात करें ऑयलिंग की बात करें ये सारे चीजें जो है दैट इज रिलेटेड विद योर वेरिएबल कॉस्ट विथ इन शॉर्ट कॉल्ड एज द रनिंग चार्जेस तो इफ यू सी द पॉइंट ट्रांसपोर्ट कंपनी में दो टाइप के कॉस्ट होते हैं एक है हमारा फिक्स कॉस्ट और दूसरा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट बट फिक्स कॉस्ट को हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट को हम रनिंग चार्जेस कहते हैं देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डू वॉट हमें सिर्फ बाद में सभी को ऐड करना है टोटल क्या क्या करेंगे हम टोटल पहले ए करेंगे फिक्स कॉस्ट फिर टोटल बी करेंगे वेरिएबल कॉस्ट उसके बेसिस पे भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि, कि किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है तो दैट इज द सिंपल फॉर्मेट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट कंपनी तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी का फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है काफी सिंपल है फिर हम कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना सीखेंगे अगले क्वेश्चन अगले जो वीडियोज आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें ट्रांसपोर्ट कंपनी के सम्स को सॉल्व करना है किस तरीके से आ, ये जो कॉस्ट पर यूनिट है इसका कैल्कुलेशन होता है इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली बट यू शुड अंडरस्टैंड लेकिन इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत है बिकॉज जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वो सर्विस इंडस्ट्री उसको यूज करती है सो so, यही हमारा फॉर्मेट है ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिलेटेड और इसी को हमें यूज करके आगे जाना है और इसी के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो so, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा होटल इंडस्ट्री का ये दोनों के ऊपर ज्यादा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसी में हम ध्यान देंगे देखो होटल इंडस्ट्री में भी वैसा ही है फिक्स कॉस्ट एंड रनिंग चार्जेस तो फिक्स कॉस्ट जो है हमारा फिक्स कॉस्ट में ये सारी चीजें जैसे कि सैलरीज टू स्टाफ रिपेयर्स एंड रिन्यूएशन डेप्रिसिएशन इंटीरियर इंटीरियर डेकोरेशन सन्डरीज द जनरल एक्सपेंसेस फिर लॉन्ड्री की कुछ कॉस्ट होगी फिर रेंट होगा रनिंग चार्जेस होगा वेरिएबल कॉस्ट है फिर पावर अटेंडेंट सैलरीज ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका आ जाएगा फिर नंबर ऑफ रूम डेज इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ रूम डेज जो दिए होंगे और उसके बेसिस पे हमको कॉस्ट पर रूम डे मिल जाएगा मतलब एक रूम में एक दिन का जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा बिकॉज इस पूरे ईयर का जो भी होटल के रूम्स फिल होते हैं जहाँ पे लोग जाके रहते हैं तो होटल इंडस्ट्री को भी अगर, अगर अपना कॉस्टिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है उनको उनके स्टेटमेंट में ये ढूंढना है कि एक रूम का हमारा एक दिन का खर्चा कितना होगा तो उस तरीके से ये जो चैप्टर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काफी हेल्पफुल होता है इन दी सर्विस सेक्टर सो टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे काफी अच्छी तरीके से कैलकुलेशन सीखेंगे तो so, हमने क्या सीखा है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूजली वन इज फिक्स कॉस्ट एंड अदर इज वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट को इस पूरे चैप्टर में हम क्या नाम देते हैं फिक्स कॉस्ट को हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं एंड वेरिएबल कॉस्ट को हम क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट को हम रनिंग चार्जेस कहते हैं दैट इज द पॉइंट विच इज रिलेटेड विद द चैप्टर यही थोड़ा सा एक बेसिक थियोरी है इस चैप्टर से रिलेटेड दैट्स इट थैंक यू फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर